पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद स्कूल ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग की स्थापना का छठा स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अब एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के संस्थापक और प्रमुख प्रशिक्षक मोहम्मद इजहार ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद स्कूल ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग विविजिबल मार्केटिंग कंपनी का एक उद्यम है। ये मुरादाबाद में पहला डिजिटल मार्केटिंग स्कूल है, जिसे 2017 में उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद स्कूल ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग को केवल मुरादाबाद में डिजिटल शिक्षा की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। उन्होंने बताया कि MSOM के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में प्रवेश लेने के लिए कोई आयु मानदंड नहीं है, कोई योग्यता बाधा नहीं है, कोई भाषा बाध्यता भी नहीं है और शीर्ष पर किसी भी कंप्यूटर या तकनीक कौशल का पूर्व ज्ञान भी आवश्यक नहीं है। सर, मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि आजकल जो एक गैप है एक डिजिटल मार्केटिंग को लेके कि मैं नहीं कर पाऊंगा एंड ऑल, तो आप लोग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। एंड आफ्टर एनी ग्रेजुएशन, आप किसी भी वक्त से हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग एनहेंस करने के लिए जरूरी स्किल्स आपको चाहिए आज की डेट में। एंड जो भी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर आप लर्न करते हो डिजिटल मार्केटिंग, तो इट्स द बेस्टेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को चूज करते हो। अगर हम बात करें 23rd की, एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया है प्लस AI रेवोल्यूशन आ चुका है मार्केट में। देर आर लॉट ऑफ टूल्स इन मार्केट जो आज की डेट में AI बेस्ड आज कर रहे हैं। सो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं AI से बेस्ड, तो आप लोगों की काफ़ी सारे मेथ्स हैं कि आपकी जॉब जानी है डॉल, तो जॉब सिर्फ उन लोगों की जानी है जो आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप को अपडेट करेंगे तो आपकी जॉब नहीं जाने वाली है। और अगर आप ये टूल्स यूज़ करते हैं तो जो काम पहले 10 दिन 15 दिन लगते थे, वो काम आप 2 या 3 दिन में कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मार्केट में टूल्स आ चुके हैं, तो उन टूल्स पे हम लोग सिखाते हैं कैसे आप लोग अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, अपने काम में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में आप उस डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर, अगर मैं बात करूं 2017 की, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सो देयर वाज नथिंग, बट नाउ इट्स कंप्लीट 6 ईयर हो चुके हैं हमारे, तो 100+ हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जिसमें सभी चीज़ें हैं कि अगर बात करी जाए बच्चे से, एक 16 साल के बच्चे से लेके एक 61 ईयर के बुजुर्ग भी हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे एलमनी हैं, जिनको हमने अवेयर किया है, बताया है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग होती है, कैसे वो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं, अपने बिजनेस में कैसे प्रमोट कर सकते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। इस दौरान MSOM की संचालिका अम्बेसडर शेखानिया ने बताया कि MSOM पूरी तरह से मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है और विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाएं डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ी रही हैं और अपने कौशल के माध्यम से समाज में अपनी जगह बना रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य जिले की महिलाओं को बढ़ावा देना है। यदि महिलाओं के पास पहले से ही कोई कौशल है और वो अपने व्यवसाय को कैसे और कहां बढ़ावा देना है, तो वो MSOM के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद स्कूल ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग के छठे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में करी गई है। मुरादाबाद स्कूल ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे शहर मुरादाबाद का पहला डिजिटल मार्केटिंग स्कूल है। हमने ये 2017 में लॉन्च किया था और इसको लॉन्च करने के पीछे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मुरादाबाद के लोगों के बीच में जो एक डिजिटल एजुकेशन का गैप है, हम उसको भर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। और आज भी हम छठा साल पूरा कर चुके हैं अपना, हम आज भी इसी काम पे लगे हुए हैं और लोगों को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से अवेयर हो सकें कि उनके खुद के शहर मुरादाबाद में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराया जाता है। जैसे बड़े शहरों में लोग भागते हैं, उसी लेवल का और उसी प्रोफेशनलिज्म के साथ उनके अपने शहर मुरादाबाद में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मुरादाबाद स्कूल ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा कराया जाता है। हम लोग 100+ सक्सेस स्टोरीज पढ़ चुके हैं, ये हमारे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों के स्टार्ट से। और मुरादाबाद स्कूल ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, तो इसमें अलग अलग तरीके से हम लोग बच्चों से जुड़े, स्कूल्स के माध्यम से जुड़े, सेमिनार्स के माध्यम से जुड़े, जिसमें हमारे पास 100+ सक्सेस स्टोरीज अब तक हो चुकी हैं।
मुरादाबाद के लोगों के लिए हम सिर्फ यही मैसेज देना चाहते हैं, 6 साल हम पूरे कर चुके हैं लेकिन आज भी हमको ये चीज़ रियलाइज होती है कि मुरादाबाद के लोग डिजिटल एजुकेशन के अगर हम लोग देखें तो वो लोग काफ़ी पीछे हैं। लोग जानते हैं कि काम होता है, पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, जो वो चाहते भी हैं करना लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से या तो वो अवेयर नहीं है, आ नहीं पाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जा नहीं पाते हैं। तो हम लोग सिर्फ यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि अब उन्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है और मुरादाबाद में अपने शहर में रह के ही वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को एक अच्छे रास्ते पे लेके जा सकते हैं खुद। 6 ईयर्स कंप्लीट होने पे हम लोग मुरादाबाद की ऑडियंस के लिए एक नया कोर्स अपने इस MSOM में ज्वाइन कर रहे हैं। एक नया प्रोग्राम आया है जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम। इसका डिजिटल मार्केटिंग से एज सच कोई इतना कनेक्शन नहीं है, ये एक अलग प्रोग्राम है जो हमने MSOM के अंदर लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम बेसिकली हम लोग 6 साल MSOM को दे चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी थी और कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने ऑब्जर्व करे थे वो ये थे कि बच्चा हमारे पास आता है, पढ़ता है, सीखता भी है और उसकी स्किल्स इतनी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाती हैं कि वो एक अपना अच्छा अर्निंग सोर्स बड़ी जगह पे जाके बना सकता है। लेकिन मुरादाबाद के लिए ही बनाया गया है, मुरादाबाद की ऑडियंस थोड़ी सी लैक करती है कॉन्फिडेंस में। आस पड़ोस की जगहों से भी हमारे पास बच्चे आते हैं तो वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस का एक लैक होता है, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों ने ये सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम बनाया है। इसके अंदर बच्चा अपने आप को इनरोल करके अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ब्रेन बूस्टिंग, ये सब चीज़ें करके उस लेवल पे जा सकता है जहाँ पे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड को एक अच्छे तरीके से बीट कर सकता है। मुरादाबाद में हमारे अलावा एज सच जिस लेवल पे हम लोग अपना दे रहे हैं, हम इस बात को चैलेंज करके बोल सकते हैं कि इतनी डेडिकेशन के साथ, इतने प्रोफेशनलिज्म के साथ मुरादाबाद में कोई नहीं देता। और ये चीज हम लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी 24/7 सर्विस क्लाइंट की नहीं, हमारे स्टूडेंट्स की, जो हमारे साथ पास आउट भी हो जाते हैं। हमारा और हमारे स्टूडेंट्स का रिश्ता सिर्फ उस कोर्स के दौरान का नहीं है, उनकी पूरी जर्नी जहाँ पे वो अपनी अपनी जगहों पे एस्टैब्लिश हो जाते हैं, प्लेस्ड हो जाते हैं, वहाँ पे भी उन्हें कोई दिक्कत आती है, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। जो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के सामने बोल सकती हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।